हे गाइस, वेलकम टू कॉमर्स की पाठशाला। आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। आज हम बात करेंगे रोल ऑफ कंप्यूटर इन बिजनेस के बारे में, जो कि बीसीओसी 183 का ये टॉपिक है। एंड ये सिर्फ कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए, मतलब सिर्फ इग्नू के बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, बल्कि ये बाकी के सारे बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए भी है जो कि अदर यूनिवर्सिटीज से स्टडी कर रहे हैं। एंड अगर आपका ये सब्जेक्ट है ना बीसीओएस 183 का, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो आप इसके नोट्स हमसे ले सकते हैं। नोट्स हालांकि चार्जेबल होगा, और हमारी इस वेबसाइट पे जहां से मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पे ये कम्प्लीटली फ्री है। चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे दिए गए हैं। सिर्फ जो क्रैश कोर्स के जो नोट्स हैं, जो आपके एग्जामिनेशन में श्योर शॉट हैं कि वो आएंगे या आ सकते हैं, उन्हीं के लिए जो है चार्जेस अप्लाइड है। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमसे ले सकते हैं। एंड आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, मल्टीपल बेनिफिट्स हैं उस ग्रुप को ज्वाइन करने के। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस ग्रुप के बारे में जो भी बेनिफिट्स हैं वो मैं मेंशन कर दूंगा। साथ ही साथ आपको मैं अपने वेबसाइट का लिंक भी दे दूंगा, जहां पे आप जाकर के हर एक सब्जेक्ट को आप चैप्टर वाइज स्टडी कर सकते हो। ठीक है, सो टुडेज टॉपिक इज अबाउट द रोल ऑफ कंप्यूटर इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला जो यहाँ पे बिजनेस जो आपका इंपॉर्टेंस है, जो उसका रोल है, आप पता बोल सकते हो, वो है कम्युनिकेशन का, है ना। कि बातचीत जो है वो बहुत ही आसान हो जाती है। आपको पता है कि जब हम एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं तो काफी ज्यादा यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक ही बार में कन्वे नहीं हो पाती है, राइट। लेकिन कंप्यूटर के माध्यम में हम सारी की सारी चीजें ईमेल में लिख सकते हैं, और लिख करके सारी चीजें किसी को सेंड कर सकते हैं, जिससे उसको सारी की सारी चीजें जो है पता चल जाएंगी। जो चीजें ओरली पॉसिबल नहीं हो पाती हैं, वो चीजें वहां पे पॉसिबल है। और वहां पे कम्युनिकेशन के बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं, डिफरेंट चीजें हैं जिसके जरिए वो चीजें कर सकते हैं। जैसे कि ईमेल है, यहाँ पे देखो लिव चैट, सॉरी लाइव चैट है, चैट टूल्स है, वीडियो पे बातचीत हो सकती है, इंटरनेट पे। मैं फेस टू फेस की बात नहीं कर रहा हूँ, फेस टू फेस छोड़ करके ये सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, जो कि हमारे कम्युनिकेशन को बेहतर बनाता है। ठीक है, सो कंप्यूटर्स प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन अ स्मूथ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट पार्टीज एंड स्टेक होल्डर्स। ठीक है ना, तो बहुत ही एक स्मूथ फ्लो जो है कम्युनिकेशन का बनता है, जो है डिफरेंट पार्टीज जो है आपके बिजनेस के उनसे। और बिजनेस कैन यूज वेरियस मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन सच एज ईमेल। यहाँ पे देखो बहुत सारे मेथड्स की बात की जा रही है जिसका यूज जो है कंप्यूटर में हम लोग करते हैं। जैसे हम लोग ईमेल कर सकते हैं, लाइव चैट कर सकते हैं, टूल्स के जो टूल्स हैं वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वीडियो एंड फोन कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, सोशल नेटवर्किंग कर सकते हैं जो अभी की जाती है बहुत ज्यादा, वेब कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, एक्सेट्रा। इट सेव्स टाइम्स एंड ऑल्सो इम्प्रूव्स द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद सच एडवांस टूल्स। इट कैन बिकम्स ईजी फॉर द बिजनेस टू ऑफर कस्टमर सपोर्ट टू इट्स क्लाइंट्स इन अ टाइमली एंड इफिशियंट मैनर, है ना। और जिस इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है, जैसे जैसे ये नजदीक आ रही है, ऐसे ऐसे जो है बिजनेस को चलाना बहुत ही आसान हो गया है। बिकॉज अभी के टाइम में आप इन सब का इस्तेमाल करके अपने क्लाइंट्स को बहुत ही टाइमली और बहुत ही इफिशियंट मैनर में उनके प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हो, उनको आप सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हो। सेकंड पॉइंट है मार्केटिंग का। तो आपको पता है कि कंप्यूटर में मार्केटिंग किस तरह से की जाती है, राइट। इंस्टाग्राम है ना, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि हमारा फोन भी एक तरह का मिनी कंप्यूटर ही है जिसमें हम लोग बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, राइट। सो इसमें जो है मार्केटिंग का इस्तेमाल जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे किया जाता है। किस तरीके से मार्केटिंग की जाती है, देखो यहाँ पे वाया सोशल मीडिया, ब्लॉगिंग करके, वेबसाइट डेवलपमेंट करके, एडवर्टाइजिंग करके, न्यूज लेटर क्रिएट करके, ये वो सारी चीजें हैं जो की मार्केटिंग की जाती है, इसके थ्रू जो है मार्केटिंग की जाती है ऑन कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का ये भी एक रोल है। आप एडवांटेज में भी इन सब पॉइंट्स को लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, आप एडवांटेजेस में भी इन सारे पॉइंट्स को लिख सकते हो। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपसे रोल पूछा है तो आपको रोल ही लिखना है, राइट। आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है। आगे देखो, नाउ इट डेवलप्स अ प्रोफेशनली क्रिएट अ वेबसाइट बाय यूजिंग डिफरेंट इनेक्टिंग एंटाइसिंग ग्राफिक्स एंड कंटेंट विद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मीडिया, है ना। बहुत तरह की चीजें जो है यूज करके, जैसे कि इमेज हो गया, वीडियो हो गया, इसका यूज करके जो है एक बहुत ही प्रोफेशनल एक वेबसाइट क्रिएट किया जा सकता है, जो कि लोगों के लिए ल्यूसिड हो, ल्यूसिड मतलब अट्रैक्टिव हो, वो खींचे चले आए उस चीज की तरफ। बाय यूजिंग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड वेब एनालिटिक्स द वेबसाइट वुड अपीयर प्रोमिनेंटली इन गूगल्स सर्च रिजल्ट। अगर आप अच्छे तरीके से SEO करते हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हो एंड वेब एनालिटिक्स का यूज करते हो, तो जो गूगल सर्च है उसमें आपका वेबसाइट काफी ऊपर आ सकता है, विच देन अट्रैक्ट ट्रैफिक, जो कि बाद में ट्रैफिक को अट्रैक्ट करता है और अल्टीमेटली एनेबल द बिजनेस टू सेल दीज प्रोडक्ट्स टू वेबसाइट विजिटर्स। और अल्टीमेटली जो बिजनेसेस हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकती हैं, है ना, इन वेबसाइट्स के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रैक्शन है, जो अटेंशन है व्यूअर्स का, वो काफी ज्यादा है,
ठीक है, तो मार्केटिंग की जाती है। तीसरा है अकाउंटिंग। तो डेफिनेटली सबसे पहला और बेसिक काम जो है कंप्यूटर का वो अकाउंटिंग का ही है ना। आपको मालूम है कि कंप्यूटर का मतलब होता है कंप्यूट करना, है ना, कंप्यूट कैलकुलेट करना एक तरीके से, राइट। तो ये बहुत ही बेसिक सा काम है और पहला काम है आप बोल सकते हो। तो अकाउंटिंग यहाँ पे हालांकि थोड़ा सा जो इसका जो स्पैन है उसको थोड़ा बढ़ा दिया गया, जो जो इसका स्कोप है उसको थोड़ा बड़ा कर दिया गया, क्योंकि अकाउंटिंग में यहाँ पे बहुत तरह की चीजें हो जाएंगी। देखो यहाँ पे बोला गया है आप अपने डेटर्स एंड क्रेडिटर्स को आप कैलकुलेट कर सकते हो, कितना ड्यू है उनके पास, आप अपना पेरोल बना सकते हो, आप टैक्स की फाइलिंग कर सकते हो बाई कैलकुलेटिंग द टैक्स, है ना, जो आपका रेवेन्यू होगा उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से चीजें जो है की जाती हैं। सो कंप्यूटर्स कैन ऑल्सो हेल्प ऑर्गेनाइजेशंस इन सॉर्टिंग इट्स लार्ज फाइनेंशियल डेटा इन ऑर्डर टू ऑब्टेन देयर लार्ज एंड स्मॉल स्केल फाइनेंशियल पोजिशंस जस्ट बाय फ्यू क्लिक्स। जस्ट कुछ एक क्लिक करके जो है वो सारी की सारी जानकारी निकाल सकते हैं। कंप्यूटर्स आर ऑल्सो यूजफुल फॉर परफॉर्मिंग वेरियस टास्क लाइक इनवॉइसिंग क्लाइंट्स, मेंटेनिंग डेटा एंड डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, है ना। तो ये सारी चीजें भी की जाती हैं, राइट। तो इसमें वो सारी चीजें भी हो जाएंगी। आप क्लाइंट्स को इनवॉइस कर सकते हो, उनकी डेटा को मेंटेन कर सकते हो, जो डेटा है डेटर्स और क्रेडिटर्स रिलेटेड आप उसको मेंटेन कर सकते हो, आप पेरोल बना सकते हो, टैक्स फाइलिंग के बारे में मैंने आपको बताया। सो विद द कंप्यूटर अकाउंट्स कैन शो नाउ फोकस ऑन हायर लेवल पिक्चर ऑफ बिजनेसेस फाइनेंसेस, है ना, ये एक है। लीविंग द लोअर लेवल स्टाफ टू द मशीन। तो जो लोअर लेवल स्टाफ है उनको मशीन्स में कम्प्लीटली जो है एक तरीके से एनरोल कर दिया गया, उनको बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क करने की जरूरत नहीं है, वो बहुत ही इत्मीनान से कंप्यूटर पर बैठ करके इन सारी चीजों को इजिली कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है स्टोरेज का। तो ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है, आपको भी मालूम होगा कि फोन अभी हम लोग हालांकि अभी के टाइम पे लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल स्टोर करने के लिए नहीं कर रहे हैं बहुत ज्यादा, लेकिन अगर आप बड़े बड़े बिजनेसेस की बात करेंगे तो वो लोग डेटा को स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि कौन सी डेटा का यूज कब हो जाएगा आपको पता नहीं है। तो आपके पास एक प्रॉपर सर्वर होना चाहिए जहां पे आप अपने सारे डेटा को मतलब बचा करके रखें, है ना। तो वो चीजें की जाती है, डेटा को स्टोर किया जाता है, हर एक छोटी से छोटी डेटा को स्टोर किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो बोला गया बिजनेस कैन स्टोर इनोरमस डेटा ऑन कंप्यूटर्स, बहुत सारे डेटा वो लोग जो है कंप्यूटर पे स्टोर कर सकते हैं। दे डोंट नीड ह्यूज कैबिनेट फॉर स्टोरिंग डेटा नाउ, है ना। पहले हमारे पास पूरा का पूरा कैबिनेट हुआ करता था जहाँ पे अलग अलग फाइलें हम लोग रखते थे, लेकिन कंप्यूटर पे अभी सारी की सारी चीजें जो है बहुत ही ईजिली आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है रखने में, है ना। तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। विद कंप्यूटर्स एंड सर्वर्स ऑर्गेनाइजेशंस आर केपेबल ऑफ स्टोरिंग एंड सॉर्टिंग बिलियंस ऑफ फाइल्स एंड एनेबल देम टू एक्सेस एट एनी टाइम, है ना। देखो जब कैबिनेट में होता था तो वहां से निकाल करके उसको स्टडी करना, उसको समझना, जो सॉर्टिंग करना या उसमें से कोई चीज आपको चाहिए तो पूरा का पूरा कैबिनेट आपको छानना पड़ता था, उसमें प्रॉब्लम होती थी। पर कंप्यूटर में आप बहुत ही इजिली सर्च करके चीजों को पता कर सकते हो, बहुत ही आसान हो गया है ये करना, है ना। तो स्टोरेज वाली फैसिलिटी जो है यहाँ पे आपको मिल जाती है और ये वेल प्रोटेक्टेड यहाँ पे बोला भी गया। देखो देखो यहाँ पे चीजें जो है चोरी कर पाना बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे पासवर्ड प्रोटेक्शन होता है आपके फाइल के ऊपर, आपके कंप्यूटर के ऊपर, है ना। बहुत सारी चीजें यहाँ पे प्रोटेक्टेड होती हैं जिसकी वजह से कंप्यूटर से किसी चीज को चोरी करना बहुत मुश्किल होता है। वाइल एज पहले के जमाने में क्या हो रहा था, जो कैबिनेट वगैरह होती जहाँ पे फाइल वगैरह हम लोग रखते थे वहां से चीजें चोरी हो जाती थी। कोटेशन जो है पहले लोगों को मालूम चल जाता था कि ये हमारा बिजनेस का कोटेशन होने वाला है वगैरह वगैरह, तो उस तरह से चीजें जो है प्रॉब्लम क्रिएट करती थी। बट अभी के टाइम पे कंप्यूटर के आने से ये सारी चीजें जो है आपको फायदा भी पहुंचा रही है और कंप्यूटर का ये रोल भी है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको आप एज ए एडवांटेज भी मेंशन कर सकते हो एग्जाम में। पांचवा पॉइंट है एजुकेशनल पर्पसेस। तो डेफिनेटली आप अपने कंप्यूटर का इस्तेमाल एजुकेशनल पर्पसेस में कर सकते हो। आप अपने कंप्यूटर, आपको पता है अभी जैसे मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं अपने कंप्यूटर का इस्तेमाल किस चीज के लिए कर रहा हूँ, आपको पढ़ाने के लिए कर रहा हूँ, राइट। सो एजुकेशनल पर्पसेस में इसका इस्तेमाल हो सकता है। आपको अपने कंप्यूटर या फिर टैब पे जाकर के आपको हमारे वेबसाइट पे जाना है और वहां से आप स्टडी कर सकते हो। तो आप क्या कर रहे हो, आप अपने कंप्यूटर का इस्तेमाल, अपने फोन का इस्तेमाल आप अपने एजुकेशनल पर्पस के लिए कर रहे हो। वही बात यहाँ पे बोली गई है, आप एग्जाम्पल में अपना एग्जाम्पल दे सकते हो कि मैं किस तरह से कर रहा हूँ, आप समझ रहे हो। तो इस तरीके से जो आंसर है वो और ज्यादा सही लगेगा एंड इग्नू को जो टीचर्स हैं उनको ये आंसर्स पसंद आएगा। इसको मैं करा देता हूँ। विद द एक्सेस ऑफ इंटरनेट ऑन द कंप्यूटर्स ऑर्गेनाइजेशंस कैन रीच द पूल ऑफ वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन व्हिच कैन बी यूज्ड एफिशिएंटली टू एजुकेट इट्स एम्प्लॉइज, है ना। सो आपके पास इंटरनेट जब से आया है आप पूरे दुनिया में जितनी भी जानकारी है आप हर एक जानकारी को आप एक्सेस कर सकते हो, और जब आप जानकारी को एक्सेस कर सकते हो तो हर एक तरह के प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए जो भी बेस्ट मेथड है आप उसका इस्तेमाल करके अपने इम्प्लॉइज को बता सकते हो, आप अपने इम्प्लॉइज को और बेहतर बना सकते हो उन सब चीजों का इस्तेमाल करके, राइट। यहाँ पे देखो जो कंपनी की पॉलिसीज है आप उसके बारे में कंप्यूटर इम्प्लॉइज को आप अवेयर कर सकते हो, सॉफ्टवेयर का यूज कैसे करते हैं वो कर सकते हो, तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स है, सेफ्टी है, आप उन सब का यूज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। इंस्टेड ऑफ हायरिंग टीचर्स इम्प्लॉइज कैन बी एजुकेटेड ऑनलाइन, अब आपको टीचर्स हायर करने की जरूरत नहीं है, आप अपने इम्प्लॉइज को ऑनलाइन
ऑनलाइन एजुकेट कर सकते हो। आपको पता है गूगल पे जूम पे कितनी सारी मीटिंग्स होती हैं जहाँ पे ये जैसी चीजें की जाती हैं। लाइव वेबिनार आप कर सकते हो, कॉन्फ्रेंसेस कर सकते हो एंड क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस कैन ऑल्सो भी कंडक्टेड, है ना, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन भी कंडक्ट किया जा सकता है। एम्प्लॉयज कैन लर्न थ्रू वेरियस मीडिया सच एज वीडियोज टेक्स्ट एक्सेट्रा, है ना। तो एम्प्लॉयज जो है वेरियस मीडिया मेथड्स का इस्तेमाल करके इस तरीके से स्टडी कर सकते हैं, राइट, ताकि उनको वो चीजें जो है और भी अच्छे तरीके से समझ में आए। तो दीज वेर द फाइव पॉइंट्स। आखिरी पॉइंट है, छठा पॉइंट जो है हमारा वो रिसर्च का है। तो डेफिनेटली कंप्यूटर का इस्तेमाल रिसर्च में काफी ज्यादा किया जाता है। अगर आपके पास डेटा है तो उस डेटा का इस्तेमाल करके आप बहुत सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हो एंड रिसर्चिंग इज जस्ट लाइक दैट, कि आप नई चीजों को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ द इन्फॉर्मेशन दैट यू ऑलरेडी हैव, है ना। सो कंप्यूटर्स मेक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस केपेबल ऑफ डूइंग अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस इंक्लूडिंग रिसर्च अबाउट कॉम्पिटिशन एज वेल एज नोइंग अबाउट द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेज ऑफ इट्स कस्टमर्स। आप अपने कस्टमर्स का प्रेफरेंसेज एंड टेस्ट आप पता कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स, बिकॉज यू हैव दोज डेटा जिसको आप एक्सेस करके, जिसको आप एनालाइज करके आप ये चीजें पता कर सकते हो। विद मॉडर्न डेटा माइनिंग टेक्निक्स अ बिजनेस कैन एक्वायर इनसाइटफुल इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स कस्टमर्स एंड कॉम्पिटिशन फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ प्लेसेस इंक्लूडिंग फोरम्स, सर्च इंजन्स, इंडस्ट्री स्पेसिफिक वेबसाइट्स एंड इवन फ्रॉम सोशल नेटवर्क। By conducting online surveys, business can know about the public opinions or while laughing, launching on new products and public reactions can also be known by reviewing customers' review on different sites, है ना। ये सारी की सारी चीजें जो है, कस्टमर का रिव्यू हो गया, किस तरीके से एक कस्टमर जो है रिएक्ट कर रहा है आपके प्रोडक्ट लॉन्च के ऊपर, किस तरीके से उनका एक्सपीरियंस है, वो सारी चीजें आप रिकॉर्ड करके उसके बेसिस पे जो है अपने डिसीजंस को ले सकते हो, जो भी आपकी बिजनेस से रिलेटेड डिसीजंस होने वाली हैं। सो दीज वर द सिक्स टॉपिक्स जिसको हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है। आई होप कि आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि उनको भी पता चल पाए दैट वी हैव द नोट्स अवेलेबल, वी हैव द असाइनमेंट्स अवेलेबल, वी हैव द चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर सॉल्व अवेलेबल। सो व्हाट एवर यू नीड, यू जस्ट कॉल मी और व्हाट्सएप मी एट माई नंबर एंड दिस इज माई वेबसाइट, आई विल शो यू, या दिस इज माई वेबसाइट जहाँ पे आप आकर के बहुत ही आसानी से आप अपनी स्टडी कर सकते हो, ठीक है। आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, ये हमारा वेबसाइट है। आपको बीकॉम की स्टडी करनी है, एमकॉम की स्टडी करनी है, आप बस उस टैब के ऊपर क्लिक करो और आप वहां से स्टडी कर पाओगे, ठीक है। चलिए फिर, ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।